नमस्ते, कैसे आप सब लोग। जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरी है और मैं ना उछलूं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरी अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, इन्होंने ना जादू प्रैक्टिस से इतनी सारी चीजें मैनिफेस्ट कर ली है कि इन्होंने सक्सेस स्टोरी में मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, इनका नाम कृतिका है, ये दिल्ली से है। हाय कृतिका, हाय दिल्ली, आई लव यू। मैं भी दिल्ली से हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। ठीक है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं रहती मुंबई में हूँ। ठीक है, ओके, हाय कृतिका, थैंक यू सो मच कि दिल्ली से हमारे पास में सक्सेस स्टोरी आई। मैंने जादू प्रैक्टिस फॉलो की थी, अभी सेकेंड टाइम मैं फिर से जादू प्रैक्टिस कर रही हूँ। सच्ची क्या मज़ेदार प्रैक्टिस है, इसे तो मुझे लाइफस्टाइल में उतारना ही उतारना है। सिर्फ जादू प्रैक्टिस की वजह से मैं अपनी एक्सरसाइज में कंटिन्यू रह पाई हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को टास्क देना होता है जो कि पहले कभी भी इतने सालों में नहीं कर पाई थी, और उसकी वजह से फिजिकल बहुत अच्छे चेंजेस मुझ में दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे फ्रेंड्स ने भी नोटिस कर लिया है और वो बोलते हैं कि कितना खुद को टाइम देती है, ये कैसी हो गई है और तू ये कैसे करती है, हमें भी सिखा। तो मैंने उन सबको बोला कि भाई ये प्लेलिस्ट फॉलो करो और फिर मेरे जैसे हो जाओगे। और इसके साथ कितनी छोटी छोटी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने एक बहुत प्यारा मग मैनिफेस्ट किया, मैंने एक जगह पर घूमना अपने दोस्तों के साथ पे जाना मैनिफेस्ट किया, अपने पापा से जो टिकट्स मैं बहुत टाइम से मांग रही थी वो फ्लाइट के टिकट्स थे वो भी मैनिफेस्ट किया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैनिफेस्ट हुआ था। अपना लैपटॉप मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने अपना फ़ोन मैनिफेस्ट किया, अपनी हेल्थ तो जो मैंने अच्छी की है वो की ही है, और अपना मुस्कुराना मैनिफेस्ट किया, अपने आप को मैनिफेस्ट किया, अपने आप को मैंने बहुत अच्छे से हील किया, अपनी एक नई जिंदगी बना पाई हूँ। रिलेशनशिप के ब्रेकअप से निकलने के लिए ही मैंने जादू प्रैक्टिस को फॉलो करना स्टार्ट किया था। एक प्रैक्टिस के अंदर भी मैंने उस इंसान का नाम नहीं डाला और वो इंसान को भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। वाह, क्या सक्सेस स्टोरी है। मैं अगर लिखती रहूंगी ना तो कई सारे पेजेस भर जाएंगे, इसलिए मैं एक एक चीज़ की सक्सेस स्टोरी नहीं लिख रही हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हाँ, उससे मेरी वाइब्रेशंस बहुत हाई हुई हैं, मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, और जो इंसान मुझे छोड़ करके चला गया था अब मैंने ही उसे छोड़ दिया है, वो मेरे पीछे पीछे आ चुका है। बस इस तरीके की इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, मैं तो सबको कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना लो। और एक के बाद एक शांभवी दीदी बहुत सारी सीरीज लेकर के आओ ना यार, आप क्या सीरीज बनाते हो, आप सच में बहुत अच्छी सीरीज बनाते हो, फॉलो करने में भी मजा आता है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने तो अब तक सिर्फ जादू प्रैक्टिस ही फॉलो की है क्योंकि आपके चैनल पर मुझे वो मिली, और मैं बस दिल से चाहती हूँ कि आप कोई और सीरीज भी बनाएं ताकि मैं उसे भी फॉलो कर सकूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैंने जादू प्रैक्टिस को फॉलो किया और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की। सच्ची में मेरी तो पूरी जिंदगी चेंज हो गई है, हर चीज मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ चुटकी बजाते ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृतिका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नीचे बजरंगबली जी लिखा हुआ है, नीचे महादेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू दुर्गा माता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांभवी दीदी, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहन मेरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतना सारा थैंक यू, ओके थैंक यू। हाँ जी, इतना ही ग्रेटफुल होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ इससे भी ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। गुड कृतिका, गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। देखिए क्या है, जादू प्रैक्टिस अगर आप सही से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सही से फॉलो कर रहे हैं, ऐसा लगता है यार प्रमोट ही ना कर दूं मैं इसे, इतनी सक्सेस स्टोरीज हो गई हैं। चलो प्रमोशन ही समझ लो, ठीक है, वैसे ये प्रमोशन नहीं है यार, मैं बस आई है किसी की सक्सेस स्टोरी कृतिका की, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नो, इट इज नॉट प्रमोशनल वीडियो, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन है नहीं, मेरी प्रैक्टिस बनाई हुई है तो उसको ऊपर काम करते हो आप लोग तो आपको रिजल्ट्स आते हैं, तो उसकी सक्सेस स्टोरीज होती हैं बाकी, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए क्या है, जब आप जादू प्रैक्टिस डेज वाइज करते हो और उसके अंदर एक्टिविटीज हैं बहुत सारी ना, तो वो जब आप फॉलो करते हो बिना एक्सक्यूज दिए, बिना ये सोचे कि अरे यार कैसे होगा, देखिए अपने लिए हर कोई 24 घंटे में से एक घंटा अगर कोशिश करे ना
तो निकाल ही सकता है। तोड़ तोड़ के भी 15-15 मिनट भी अगर पूरे दिन के 4 बार निकालता है ना तो भी निकाल सकता है। तो ये बस करने का जज्बा होता है, करने का जुनून आना चाहिए आपके अंदर, तो हो जाता है। ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो जब आप जादू प्रैक्टिस करते हो ना, उसकी सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करते हो, तो आपके हेल्थ बेनिफिट तो उस पर सबसे ज़्यादा होते ही होते हैं, क्योंकि आप सेल्फ के साथ जुड़ना स्टार्ट करते हो, आप वर्कआउट्स लेते हो, आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करते हो। आप देखिए पूरा टाइम ना भी कर सको, लेकिन आप करते हो तो उस पर आपकी बॉडी के ऊपर वो जो इफेक्ट होता है वो दिखने लगता है। आप स्वेट करते हो, आप एक्सरसाइज जब करते होते हो, आपकी स्किन जो होती है वो ग्लो करने लग जाती है। स्वेटिंग से मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है, जब भी मैं स्वेट करती हूँ ना, स्वेट इन द सेंस कि जैसे मैं रनिंग कर रही हूँ या मैं कुछ हैवी वर्कआउट्स ले रही हूँ, तो मैंने नोटिस किया है मेरी स्किन एकदम से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और मुझे लगता है वाह वाह, मैं तो हमेशा ही स्वेट करती रहूँ, तो मैं हफ्ते में 5 दिन कोशिश करती हूँ कि मैं स्वेट करूँ, सीरियसली करूँ। वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा है, हमारे स्टैमिना के लिए अच्छा है, एक्चुअली वो हमारे लिए अच्छा है, तो वो करना ही चाहिए, ठीक है। तो एक तो वो वाली चीज़ हो जाती है। दूसरी ये होती है कि आप मेडिटेशंस करते हो तो माइंड आपका शांत भी होता है, आप मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर पाते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी मेडिटेशंस हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, एक के बाद एक दूसरे पर ब्रेक आता जाता है, तो इससे आपके मैनिफेस्टेशंस थोड़े से नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी पूरे होते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि आप एक्टिविटीज़ फॉलो करो, विदाउट एनी एक्सक्यूज आप फॉलो करो, तो आपको रिजल्ट आएंगे। हाँ, दूसरी एक और चीज़, आप रिजल्ट देखने के चक्कर में जादू प्रैक्टिस मत फॉलो करना, फिर मैं कहूंगी मत करो, फिर मत ही करो, फिर तो फिर क्या फायदा, फिर आप कोई टेक्निक कर रहे हो, कोई मेथड कर रहे हो या जादू प्रैक्टिस कर रहे हो। बात एक ही है, वो आपकी जिंदगी बदलने का हिस्सा बन रही है, आपकी एनर्जी बदलने का हिस्सा बन रही है। तो अगर आप सेल्फ पे काम करने के लिए करते हो, अब जैसे इनकी कहानी है, ब्रेकअप से निकलने के लिए इन्होंने जादू प्रैक्टिस की कि यार मुझे निकलना है, और मजे की बात सुनिए, एक लाइन भी नहीं लिखी उस इंसान के बारे में, एनर्जी इतनी हाई हो गई कि सामने वाला मैनिफेस्ट हो गया। अब वो इनकी लाइफ में आना चाहता है, इनको नहीं जाना है। तो खैर, मैनिफेस्टेशन के बाद ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप उस मैनिफेस्टेशन में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। पर मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए फॉलो करो, अपनी लाइफ को बदलने के लिए फॉलो करो, ना कि इसलिए कि कुछ मिल जाए आपको। मिल आपको सब कुछ जाएगा अगर आप अपने आप को मिल गए तो। सिंपल फंडा, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।